बस्म रहीम टू वी डूइंग रिस्क मैनेजमेंट जिसमें हम बात कर रहे थे क्रॉस हेज की क्रॉस हेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट फिनमिना और ये फ्रीकुन यूज़ होता है तो विल बी स्पेंडिंग लिटल मोर टाइम ऑन इट द मोस्ट कॉमन रीजन वाई क्रॉस हेजिंग हैपन इज़ बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी टू फाइंड द कॉन्ट्रैक्ट जिस में आपकी पोजिशन है उस पर अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा देन यू हैव टू एक्सप्लोर फॉर ऑल्टरनेट पोजिशन जिसमें आप पर, अपने आप को सेफ गार्ड करना चाहें तो यू हैव टू एक्सप्लोर फॉर द क्रॉस हेज थीम इट ऑल्सो हैपन वेन द लिक्विडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट रियली दैट ग्रेट ये भी एक इंपॉर्टेंट फिनमिना है कि जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं या जो आपकी पोजिशन है उसका जो डेरिवेटिव अवेलेबल है वो इतना लिक्विड ही नहीं है यानी कि उसमें जो हमारी क्वांटम ज़्यादा है एंड मार्केट इज़ नॉट हैविंग दैट डेप्थ इन दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट तो फिर आप उसके अलावा किसी और प्रोडक्ट में जाएंगे जिसकी मार्केट ज़्यादा एक्टिवली ट्रेड होती है एंड लिक्विडिटी इज देयर सो दैट कैन आल्सो बी वन ऑफ द रीजन टू गोइंग टू द क्रॉस हेज़ इन द क्लासिक एग्जांपल ऑफ क्रॉस हेजिंग इज वेस्ट टैक्सेस क्रूड ऑयल फ्यूचर विच आर ओनली ट्रेड इन दोज मार्केट अब वो उस पर्टिकुलर मार्केट्स में ट्रेड करते हैं तो so, अगर आपका उसमें एक्सपोयर है एंड यू आर नॉट इन दैट एरिया सो देन यू हैव टू लुक फॉर एम परफेक्ट हैज कि आप उसके ऑल्टरनेट किसी रूट को देखते हैं और उसमें जाके अपने आप को सेफ गार्ड करते हैं दिस इज़ ट्रेडिड इन डिफरेंट रीजन और अ डिफरेंट ग्रेड कि आपको उस रीजन में वो पॉसिबिलिटी नहीं है या उस ग्रेड की जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल नहीं है सो देन यू लुक फॉर द क्रॉस हेज इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड फ्यूचर्स ऑन जेट फ्यूल इसकी हमने बात भी की थी कि जेड फ्यूल में आपको अगर आपकी नीड है बट यू कॉन्ट फाइंड फ्यूचर तो देन यू हैव टू लुक फॉर क्रॉस हैज इन से क्रूड ऑयल या गैसोलिन फ्यूचर्स ताकि अपने आप को हैज कर सकें है। सेफ गार्ड करना फिर भी ज़रूरी है यू लुक फॉर सिमिलर ऑल्टरनेट जिसमें आप क्रॉस हैज करते हैं ऑल दो द प्राइस ऑफ दीज कमोडिटीज़ आर नॉट परफेक्टली कोरिलेटेड

अब उसको वी हैव टू सी कि हमने उसको फर्दर किसी तरह हेल्प करना है और सम सम टाइम वी एक्सेप्ट और टेक रिस्क क्योंकि कुछ मेजर पार्ट रिस्क कवर हो गया कुछ हम कहते हैं ओके लेट्स लिव विद इट क्योंकि सारा रिस्क एलिमिनेट नहीं हो सकता अब एक एग्जांपल की हम सिनेरियो की बात करते हैं कि व्हाट आर द दिनैरियो उसमें फिर आप यू विल गाइड एंड सिलेक्ट व्हाट शुड बी द केस ए ऑप्शन क्या है फाइंड टू करेंसीज दैट आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड मैच पेबल्स ऑफ वन करेंसी टू रिसिवेबल ऑफ एन अदर करेंसी एक पॉसिबिलिटी ये है सेकेंड ऑप्शन इज यूज़ फॉरवर्ड मार्किट टू सेल द फॉर्वर्ड वट एवर करेंसी यू विल रिसीव जो आपने करेंसी रिसीव करनी है उसको फ्यूचर में ढूंढ के सेल कर लें सी यूज़ द फॉर्वर्ड मार्केट टू बाय फॉरवर्ड वट एवर करेंसी यू विल रिसीव एंड डी इज बोथ बी एंड सी जी अब आप बताएँ क्रॉस है जिसमें से कौन सी है थोड़ा सा जरा रिकॉल कर लें फोर हमने ऑप्शन डिस्कस किए हैं एक ये ए बी सी एंड डी तो राइट आंसर इज ए फाइन टू करेंसीज दैट आर हाईली पॉजिटिवली कोरिलेटेड मैच द पेबल्स ऑफ वन करेंसी टू रिसिवल ऑफ अदर जो अगली बी और सी थी वो तो डायरेक्ट हैज थी उसी उसी करेंसी में तो जब उसी करेंसी में हो हैज तो दैट इज नॉट अ क्रॉस हैज वो तो उसकी ट्रू हैज और ये सिचुएशन आती तब है जब वो वाली ऑप्शन अवेलेबल ना हो जैसे मैंने एग्जाम्पल दी थी कि आपका जेपनीज येन में एक्सपोयर है और उसकी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको डॉलर्स में जाना है तो आप देखें जेपनीज येन और डॉलर्स की पोजीशन लें एंड देन टेक द पोजीशन टू सेफ गार्ड ठीक होगी बात एक और केस देखते हैं पॉकेट कंपनी हैज वन मिलियन यूरो यूरोज रिसिवेबल ड्यू इन थर्टी डेज एंड इसर्डन डैट यूरो विल डिप्रिशिएट सब्सटैंशली ओवर द टाइम अब ये उनको इतनी अमाउंट रिसीव होनी है और उसका रिस्क इनका क्या है कि ये उसमें चेंज आ सकती है एज्यूमिंग दैट फर्म इज करेक्ट द आइडियल स्ट्रेटजी इज अब ये क्या स्ट्रेटी हमें ले सकते हैं सेल यूरोड परचेज यूरो करेंसी पुट ऑप्शन परचेज यूरो करेंसी कॉल ऑप्शन परचेज यूरोड्स रिमेन अनहेज इसके इसमें हम सिर्फ आपका एक अंडरस्टैंडिंग लेना चाह रहे हैं कि वट यू हैव विद रिस्पेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन में दोबारा दिखाता हूँ कि हमारे पास वन मिलियन यूरो जो वो है वो रिसीवेबल हैं थर्टी डेज में और इस में ऑप्शन में से आपने सेलेक्ट करना है तो अपने ज़रा माइंड में आप करें कहीं पेपर पास है तो उसको नोट करें एंड देन थिंक वट क्वी द केस जी राइट आंसर इज ऑप्शन ए व ऑप्शन ए सेल यूरो फ्यूचर में वहां से रिसीव हो जाने हैं आप सेल की पोजीशन में होंगे तो यू विल बी एबल टू गिव इट टू देम. और आपका अपना पोजीशन जो है वो सेफ अगर इन केस ये यूरो में ना अवेलेबल होता तो देन यू शुड इन केस ऑफ क्रॉस देन यू हैव टू लुक फॉर समर्ट तो ये जरा आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस सिचुएशन में हमने कौन सी पोजीशन लेनी है ये भी हमें रिकॉल करते रहना चाहिए सो दैट वी हैव कॉन्फिडेंस इन वच पोजीशन विल बी टेकिंग योर कंपनी विल रिसीव अनदर केस फॉर यू योर कंपनी कनेडियन सिक्स हंड्रेड थाउजेंड डॉलर इन नाइन्टी डेज द नाइन्टी डे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन कनेडियन यू डॉलर इज पॉइंट डॉलर इफ यू यूज फॉरवर्ड हैज यू विल जी इसका डाटा क्लियर हमें देख लें नाउ वट ऑप्शन वी हैव Receive 750 today. Receive 750 in 90 days. Pay 750 in 90 days. Receive 480. Receive 480 in 90 days. QK conversion 0.8 ki hi. 600,000 ko convert kiya 480 and that will be receivable in 90 days. So, correct answer is E. तो आपको ये बड़ा केयरफुली देखना है कि कौन सा करेंसी का कन्वर्जन रेट लग रहा है और एट द सेम टाइम व्हाट पोजीशन वी विल बी टेकिंग इन आर पर्टिकुलर डोमेन के हमने उसमें कौ हमें रिसीव की पोजीशन है हमने लॉन्ग होना है कि शॉर्ट होना है दैट शुड बी वेरी क्लियरली डन ठीक हो गया थैंक यू